तो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सेफ़ और हेल्दी होंगे और घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मतलब ये पूरा एक ब्लॉग होने वाला है। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ, ब्लॉग टाइप होने वाला है। जैसे कि मैंने पुराने समय में जो ब्लॉग बनाया था, काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंद आया था। तो अभी बज रहे सुबह 8 बजे और मैं आया हूँ छत पर, जो हमारा छत है वहाँ पर, क्योंकि चिड़िया होती है, काफ़ी गर्मी हो रही है तो उनको पानी पीने के लिए कुछ होता नहीं। तो एक कुंड करके रखा था छोटे बच्चों ने पहले गए साल, तो वहाँ पे मैं पानी डालता हूँ सुबह और शाम, ताकि वो जो कौवे होते हैं, चिड़िया होते हैं, वो आके पानी पीते, कभी कभी नहा भी लेते उसमें। तो चलिए दोस्तों, आज का पूरा डे का जो ब्लॉग होने वाला है, आपको बताने वाला हूँ क्या करूँगा क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रहा मैक्स। मैक्स है हाय। हाय बोलो। हाय हाय कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये रहा मैं पानी लेके आया थोड़ा बहुत। तो आप भी आपके जहाँ पे भी जो चिड़िया वगैरह होगी, या फिर आपके यहाँ पे जहाँ छाव होगी, वहाँ पे एक बाउल रख के आप रख सकते हैं, वहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं, जिसके कारण वो पानी पी लेंगे काफ़ी अच्छा। उनको पानी भी में जो है मिल जाएगा गर्मियों में। देख सकते इस तरह से ये कुंड करके रखा था गई साल। तो इसमें का पानी जो है सूख जाता, बट मैं सुबह शाम इसमें डाल देता हूँ, पहले साफ़ कर देता हूँ रोज आके। मैक्स नो। मैक्स मैक्स चलो हटो बाजू। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर से हेल्प कीजिएगा। आपके यहाँ पे कुछ भी बाउल बाउल रख सकते हैं, या फिर कुछ जहाँ पे ऐसा कुंड एक सीमेंट का बना सकते हैं, वहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो चिड़िया सुबह सुबह पानी पी लेती है, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और उसे आप बना दीजिएगा ऐसा कुंड, जहाँ पे कोई भी पक्षी आके जो है पानी आराम से पी सकता है। चिड़िया हो गए, कौवे हो गए, कबूतर हो गया, तो ज़रूर से भी आप ऐसा कुंड बना दीजिएगा जो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके लिए पानी भी मिलता रहेगा और उनको जो है काफ़ी अच्छा भी लगेगा गर्मी के टाइम में। तो ये रही, यहाँ पर थोड़ी सी धूप क्या आ गई है, छाँव में जाके बैठ गया। लैब्राडोर का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार आपको, कि वो गर्मी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। और एक मेम्बर है, इसका फ्रेंड बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रीट डॉग है ये। ये भी हमारे यहाँ पे रहती है। ये भी अभी देखो छाँव में अभी आराम से बैठ के आराम कर रही है। तो इसके लिए भी कुछ खाने का जो है बंदोबस्त कर देता हूँ, और जो हमारे पड़ोसी है वो भी इन्हें खाने को डालते। तो काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं नेचर भी काफ़ी अच्छा है। और आपके यहाँ पे भी अगर कोई भी स्ट्रीट डॉग हो, तो उनकी भी हेल्प ज़रूर कीजिएगा आप। तो चलिए, अभी जो बाकी के स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी तरफ जाना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है। तो चलो, मैं आपको उनकी तरफ ले जाता हूँ। गोल्ड और एक 10 वाली देना। 10-15 पैकेट चाहिए। 5.5 भाव में। सब इधर ही छोड़ ले। चल। तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2-4 हो गए। यहाँ पे ये बंदा जो है, इसका नाम सेंटू है, रेगुलर जो है दूध डालने आता है। कभी भी डॉग को मिल्क डालते टाइम एक बात याद रखना, कि उसके अंदर ज़रूर से वाटर यानी पानी ज़रूर से मिलाइएगा। अगर आप पानी नहीं मिलाते तो कभी कभार उन्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए दूध के साथ पानी ज़रूर मिलाइएगा। और थोड़ा थोड़ा करके देना, नहीं तो कभी कभार कोई डॉग एग्रेसिव होता है तो दूसरे डॉग को पीने नहीं देता। तो इस बात का ध्यान रख के थोड़ा थोड़ा करके आप उसे दे सकते हो, तो आसानी से पी जाएंगे। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड है पूरा। यहाँ पे जो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग यहाँ पे रहते हैं, और जो यहाँ पे एक दादा रहते हैं उनकी देखभाल करते हैं, बट वो भी अभी ज़्यादा लॉकडाउन के कारण यहाँ पे नहीं आ पाते। तो कुछ जो है यहाँ पे जो स्टोर है, इस बंदे का जो स्टोर है यहाँ पे, जो मिल्क की दुकान है, मतलब जो नॉर्मल जो सामान बेचता है, तो ये भी कभी कभार इन डॉग को जो है रेगुलर सुबह मॉर्निंग में 8 या 9 बजे बाद आता है और डालता है। तो मैंने इसको एक दो बार जो है पैसे तो दे दिए थे, बट मेरे पास भी ज़्यादा नहीं रहते, तो ये भी बंदा इसके खुद के पैसे डाल के भी जो है डॉग की हेल्प करता है। तो आपके आजू बाजू जितने भी डॉग होंगे, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अगर चिड़िया हो, वहाँ पे पानी डालने के लिए आप रख सकते हैं कुछ वहाँ पे, तो गाय वगैरह होगी तो उनको कुछ खिला सकते हैं। तो ऐसा आप भी जो एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बंदा है पहले डॉग को नहीं देता था, पर अब मैं आपको बता देता हूँ ये डॉग को देने के बाद इसको कैसा महसूस होता है।
मैंने डॉग को मतलब पहले देता था मतलब दूध कभी कभार, तो भैया ने कहा कि भैया पैसे देते थे मुझे, अब तो मैंने उनको दूध देना चालू कर दिया। अब वो भैया कभी कभार पैसे नहीं दे पाते थे, तो मैं दूध देना कभी कभार अपने तरीके से दे देता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डॉग जैसे मैं आता था डॉग के पास में, डॉग मेरे को देख के बहुत खुश होते थे। लगता है डॉग की हेल्प करके जानवर की। तो बंदा थोड़ा सा नर्वस हो रहा है पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद। तो मैंने दूध की जो दो थैली ली थी, तो एक इसके लिए लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा इसके इसमें डाल देता हूँ मैं। कभी भी ध्यान रखिएगा कि दूध की थैली लेते टाइम उसको सैनिटाइज ज़रूर कीजिएगा, या फिर गर्म पानी में आप साफ़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको जो वायरस से जो है इन्फेक्शन किसी और को भी ना हो। तो दूध की थैली तोड़ने के बाद आप उसमें डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं उनको ज़रूर से आप हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आपके आजू बाजू जो भी स्ट्रीट हो गए, रोटी वगैरह होगी, जितना भी आप कर सकते हैं ज़रूर से हेल्प कीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके और उनको खाना मिल सके। तो दोस्तों, घर आने के बाद थोड़ी सी चाय पीने के साथ साथ जो मैं रोज़ मैसेज पढ़ता हूँ, सबके रिप्लाई देता हूँ, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है एटमिक्स, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं रोज़, नए नए वहाँ पे स्टोरी भी ऐड करता रहता हूँ, और जो डॉग्स होते हैं जो कम सेल में होता है, कम प्राइस में होता है, उनके बारे में बताता रहता हूँ। तो ज़रूर से आप इस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर भी मुझे DM करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसके दोस्त को यहाँ से देखता रहता था, सामने की बिल्डिंग में उसका दोस्त रहता था, बट अब चला गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो कभी कभार वो उसके देखता रहता है कि कब आएगा कब नहीं। मैक्स मैक्स, ड्यूक कहाँ है? ड्यूक 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 कहाँ है? ड्यूक जिससे उसका नाम लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको मिस करने लगता है। चलो चलो बाहर जाते खेलने, चलो। अभी इसके ये पैर में चोट लगी है, ऊपर से कूद कूद के यहाँ से वहाँ कूदता रहता है, तो उसको थोड़ा सा मौत जैसा हो गया यहाँ पे। तो थोड़ा सा अभी उसको लग रहा है, अभी डर रहा है उसको, ऐसा कि मैं उसको ऊपर कुछ स्प्रे ना लगा दूँ, इसलिए अभी अभी देखे उसको पाँव पकड़ता हो तो भाग ना जाए। दिखाओ मैक्स, कहाँ लगी तुझे? कहाँ लगी मैक्स, बता कहाँ पे लगी, बता। अभी नहीं बता रहा, नहीं तो जस्ट बताता है पाँव ऊँचा करके। तो ध्यान रखे कि दोस्तों, कि आपका भी डॉग ऊपर से नीचे अगर हो रहा है ज़्यादा, तो उसके पैर पे लगने की चांस है, क्योंकि वो ज़्यादा कूदने के कारण भी कभी कभार ऐसा होता है। ये ऐसे खिड़की में बैठने के कारण ये यहाँ पे कूदता था, तब उसको थोड़ी सी मोच आ गई कूदने के कारण। तो कभी भी याद रखिएगा कि आपके डॉग अगर ऊंची हाइट पे वहाँ से जंप कर रहा है, तो उसको मत करने दीजिएगा, और ख़ास करके जो नीचे रफ़ जगह होगी तो वहाँ पर भी बिल्कुल मत करने दीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये व्लॉग है जो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो भी मैं और भी अगर आपको ऐसे व्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, तो मैं और भी ऐसे आपके लिए व्लॉग लेते आऊँगा। तो अगर आपको ट्रेनिंग की भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो भी मैं थोड़े बहुत जो है ट्रेनिंग की वीडियो भी शुरू कर दूँगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।